हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां सीएम बदलने की खबरों के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दोपहर 2 बजे आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वो शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। शनिवार को केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम उत्तराखंड गए थे। सांसदों और विधायकों का फीडबैक लिया गया था। 3 सांसद सीएम बदलने के पक्ष में हैं, जबकि 3 ने मुख्यमंत्री के नाम का समर्थन किया। विधायकों ने भी मिलीजुली राय दी है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हैं। ऑब्जर्वर ने हाईकमान को सांसदों और विधायकों को राय अपनी बता दी है। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, आज त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्या वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर सीएम बदलने जा रहा है? निश्चित तौर पर सबसे बड़े संकट के दौर से वो गुजर रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये जरूर कहा जा सकता है कि देवेंद्र की आवाज जी। देवेंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं, ये कहा जा सकता है अपने इस मुख्यमंत्रित्व काल में। और पार्टी नेताओं की बात करें, जिसमें सांसद विधायक और संगठन के लोग शामिल हैं, उनकी अगर बात करें तो फीडबैक के आधार पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ बहुमत है। अब देखना होगा क्योंकि चुनाव में महज 1 साल ही रह गया है, तो पार्टी का शीर्ष इस बारे में क्या फैसला लेता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली आगमन निश्चित तौर पर इस बात के लिए है कि वो किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल करें। तकरीबन आधे विधायक ऐसे हैं जो उनके समर्थन में है तो आधे विरोध में ही है, 3 सांसद समर्थन में है तो 3 विरोध में है, पार्टी संगठन के अधिकांश नेता उनके मिलाकर मुश्किल हालात हैं। और इस मुश्किल हालात में त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, अब देखना होगा कि वो अपनी कुर्सी बचा पाते हैं, ये वक्त हमें बताएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ कह रहे हैं इस वक्त, उनको सुन लेते हैं। पहले उसके नाम पे थोड़ा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आपके माध्यम से मैं सभी महिलाओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। हमारी महिलाएं सशक्त हों और समाज में सामाजिक भूमिका हो, चाहे आर्थिक उनकी भूमिका हो, उसी में वो समानांतर खड़ी हों, ऐसी मेरी कामना है। हमने आज महिला दिवस के अवसर पर 2 बड़े कानून हमने बनाए। एक तो राज्य में पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को भागीदार बनाया है, सहखातेदार बनाया है, ताकि अगर कोई महिला अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अपने कोई काम करना चाहती है, तो भी बैंक ऋण लेकर के और अपना कारोबार खड़ा कर सके। दूसरा, हमने एक बहुत महत्वपूर्ण और मेरे लिए जो बहुत भावनात्मक भी है, वो है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। घसियारियाँ ने जो महिलाएं जंगलों में घास काटने जाती हैं, तो ये देखने में आया कि सैकड़ों महिलाएँ हमारी उनकी मौत हो जाती है चट्टान से गिरने के कारण, फिसलने के कारण। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।